हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष निकम। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन के मेरे तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लिस्टेड हैं और 99% की एक्यूरेसी इन स्टॉक्स के साथ में हमारी बरकरार है। साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे कल के दिन के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स कल के दिन के प्रेडिक्शन के साथ में। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे आज के दिन की हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में। सो, बैंक निफ्टी में कल चंद्रयान का न्यूज़ था, उसकी वजह से काफ़ी अच्छी अपसाइड की रैली जो है वो हम लोग को देखने को मिली। कल भी सेम सीन था, हालांकि ये न्यूज़ बेस था, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन निफ्टी पे है, इससे कभी भी ब्रेकडाउन जो है वो हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो कि आज हम लोग को देखने को मिला है, जो मैं आप लोग को ज़रूर दिखा दूंगा। सो, यहाँ से काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला एंड देन बैंक निफ्टी में जो है वो एक डाउनफॉल बहुत अच्छा हम लोग को देखने को मिला था। अगर से यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी में भी एक अप ट्रेंड देखने को मिला और उतना ही ज़्यादा शार्प फॉल जो है वो देखने को मिला। और ये जो ट्रेंड लाइन है जिसे हम लोग काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से मेरी थंबनेल जो है यूट्यूब की, इसका यही सीन था कि मार्केट में ज़ोरदार गिरावट हो सकती है। तो बस यही इस लेवल को ब्रेकडाउन जो है वो हम लोग को अभी जो है देखने को मिला है। ओवरऑल सी एंड पी दोनों साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो हम लोगों को देखने को मिला है। हीरो मोटो आज के दिन की पहली ब्रेकआउट स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस की थी। टारगेट 1 इसमें देखने को मिला, सी साइड में एक अच्छा प्रॉफिट बना। टारगेट 2 पी साइड में देखने को मिला, पी साइड में भी एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। दीपक नाइट्रेट दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक थी जिसमें बहुत ही शार्प अपसाइड की रैली हम लोग को देखने को मिली। सो, सी साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें देखने को मिल रहा है। और आइशर मोटर्स आज के दिन की हमारी तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक थी। इस स्टॉक में हम लोगों को काफ़ी कोशिश किया था इसने अपसाइड में जाने का, यहाँ पे कैंडल क्लोज भी हुआ था लेकिन इसका हाई नहीं गया था एंड यहाँ पे कोई कैंडल ही क्लोज नहीं हुआ था अपसाइड में। सो, यहाँ पे कोई बाई साइड की एंट्री नहीं बनी थी। सेल साइड में टारगेट 2 हम लोग को देखने को मिला और पी साइड में बहुत बढ़िया प्रॉफिट इसके देखने को मिला। ओवरऑल दोस्तों, जो भी हमारी एक्यूरेसी है 99% की, जो मैं अपने हर यूट्यूब के थंबनेल पे क्लेम करता हूँ और अपने हर यूट्यूब के वीडियो में भी आप लोग के साथ में डिस्कस करता हूँ, वो आज भी बरकरार है और मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखने की। चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों, तो ऐसे लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ गाइस, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी, तो एक बार YouTube को स्क्रॉल करके देख लीजिए और Telegram को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का। आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू, और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज कल के दिन की हमारी पहली ब्रेकआउट स्टॉक होने वाली है। स्टॉक में कोई मूव हम लोगों को सुबह से देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जो है इसमें ट्रेड हुआ है। सो, कल एक अच्छा ब्रेकआउट जो है इसमें आने की हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद दिख रही है। 2390 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा, 2398, 2410 और 2424 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2380 स्टॉप लॉस रहेगा। इनके ये स्टॉक अगर नीचे के साइड में नहीं आता है, अपसाइड में नहीं जाता है, तो 2380 के नीचे वीक है। 2373, 2361 और 2350 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2390 स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो रहेगा कोलपैल का। इस स्टॉक में भी हम लोग को ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है वो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है और एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा वॉल्यूम जो है वो इसमें एंटर होने के बावजूद हम लोग को यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट जो है इस स्टॉक में देखने का नहीं मिल रहा है। 1982 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा। 1990, 2002 और 2017 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1970 स्टॉप लॉस रहेगा। इनके स्टॉक अपसाइड में नहीं जाता है, तो 1970 के नीचे वीक है। 1963, 1951 और 1940 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1982 स्टॉप लॉस रहेगा।
तीसरा ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। इस स्टॉक में भी एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है और स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना करके ऊपर भी गया है। अगर यहाँ से इसे ब्रेकआउट मिलता है तो 2585 के ऊपर स्टॉक बुलिश है, 2594, 2607 और 2622 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2575 स्टॉप लॉस रहेगा। इनके इस अपसाइड में नहीं जाता है तो 2575 के नीचे स्टॉक वीक है, 2566, 2558 और 2545 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2585 स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों, जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ के लेनी है। जैसे कि उसमें से पहले चीज़ ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे। क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों, जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों, जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइस। इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट टाइम्स में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर से बात करेंगे यहाँ पे कल के दिन के मेरे मार्केट प्रेडिक्शंस के बारे में, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जैसे मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोग के साथ में शेयर करते रहता हूँ कि बेंचमार्क के लिए मैं निफ्टी का यहाँ पे इंडेक्स को जो है वो कंसिडर करता हूँ, निफ्टी पे डिसाइड करता हूँ मार्केट का आज के दिन का ट्रेंड जो है वो क्या होने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद में ट्रेंड एनालिसिस होने के बाद में ट्रेड एनालिसिस मैं करता हूँ जिस इंडेक्स पर ट्रेड करना है, जिस इंडेक्स के ऑप्शन पर ट्रेड करना है। सो ओवरऑल कल के दिन में निफ्टी का जो ट्रेंड है वो एटलीस्ट इस लेवल तक, जो कि हमारा रिवर्सल का लेवल भी होता है, इस लेवल तक एक नेगेटिव ट्रेंड ही मार्केट में हम लोग को देखने को मिलेगा। पिछले 3-4 दिनों से हम लोगों ने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करके रखा हुआ था और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं इन लेवल से जो है वो हम लोगों को ब्रेकडाउन दे दे, लेकिन कल चंद्रयान की न्यूज़ की वजह से एक अपट्रेंड हम लोग को मार्केट में देखने को मिला, लेकिन आज प्राइस एक्शन के बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन को हम लोगों को ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है। सो एक डाउनसाइड की जो रैली है इसमें पॉसिबल है। 19,457 के नीचे निफ्टी वीक रहेगी, 19,415, 19,368, 19,314 और 19,260 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 19,500 के ऊपर निफ्टी बुलिश रहेगी, 19,537, 19,585, 19,627 और 19,694 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। अगर से बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में, तो कल जिस लेवल पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था गैप अप के बाद में मार्केट ने वो जो गैप है वो फिल कर दिया है और इसी लेवल पे जो है अगेन सपोर्ट भी क्रिएट किया हुआ है। कल अगर सपोर्ट जाता है तो 44,430 के नीचे बैंक निफ्टी वीक रहेगी, 44,315, 44,183, 44,056 और 43,935 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 44,557 के ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ पे बुलिश रहेगी, 44,000
44,672, 44,800, 44,950 और 45,122 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स होने वाले। ओवरऑल कल के मॉर्निंग सेशन में हम लोगों को एक अच्छा नेगेटिव ट्रेंड जो है वो देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए कल के दिन के मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स, साथ ही हम लोगों ने डिस्कशन किया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स का, कल के दिन के मेरे प्रिडिक्शन के साथ में। चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों तो ऐसे लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।